सॉरी फैजी, किन्जी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपसे इस तरह सवाल जवाब करे। इट्स ओके okay. उसे बस गलतफहमी हो गई थी कि शायद आप मुझसे मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। हर इंसान दूसरे के बारे में अंदाजे लगाने में बिल्कुल आजाद है. आपको किन्सी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? मुझे तो मजर की बात का भी बुरा नहीं लगता. मुझे समझ नहीं आता वो क्या कह रहा होता है. मजर भाई मिले थे क्या आपको? हाँ, शादी के वक्त में काफी मुलाकात तो रही थी उससे, लेकिन मेहंदी वाली रात उसके लहजे में काफी तंज था. फैजी, मैं उन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ. अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना कि मुझे बुरा नहीं लगा था. आप बहुत अच्छे हैं फैजी. दुआ करना कि मैं हमेशा ऐसे ही अच्छा रहूं. मुझे आप पर यकीन है, आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे. हाँ, मैं ये दुआ जरूर करूंगी कि हमारे साथ को हासदों की नजर ना लगे. हमसे कोई क्यों हसद करेगा? आयशा कहती है जहां मोहब्बत होती है वहां कहीं ना कहीं हसद करने वाले भी होते हैं. आयशा हारिस के साथ खुश तो है ना, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है? आयशा और हारिस के जिंदगी में भी तो ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ से खुश नहीं होंगे. हारिस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आयशा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो आयशा की खुशियों से हसद करेगा. खैर, किंजा नाराज होके तो नहीं गई ना? मुझे उसकी नाराजगी की कोई परवाह भी नहीं है. निम्रा, बुरी बात है, तुम्हारी बहन है वो. बहन बनकर आती तो नाराज होकर नहीं जाना पड़ता. मजर की बीवी बनकर आई थी वो, जिसे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं है. अच्छा, अपना मूड तो ठीक करो. नई नवीली दुल्हन का मूड ऐसा अच्छा नहीं लगता. ठीक हूँ मैं. तुम भी कमाल करती हो, इतनी तबीयत खराब थी मुझे कॉल करके ही बता देती. मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी तुम लोगों को. किसी डॉक्टर के पास भी गई हो या यहीं पड़ी हो जब से? गई थी, उसी की मेडिसिन से आराम आया. अच्छा, तुम पापा के पास वापस क्यों नहीं चली जाती अपने? बहुत जल्दी है मुझे भेजने की. मुझे ना भी हो, फहीम को जरूर होगी. लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है. अगर तुम्हें बेहतर लगे तो मैं ले चलूं डॉक्टर के पास. मैं बेहतर हूँ, बस इतने दिनों से घर में बैठकर बोर हो गई. तो क्यों पड़ी हो घर में? कहीं बाहर घूम आती, दिल बहल जाता है यार. अगर अकेले ही बाहर जाना है तो फिर घर की ये तन्हाई बेहतर है. मैं तो अभी यही कहूंगा कि तुम अंकल की बात मानो और उनके पास वापस चले जाओ. इनफैक्ट मैं अंकल को कॉल करके खुद बोलता हूँ ये बात. पापा मुझे ऑलरेडी अल्टीमेटम दे चुके हैं. ये तुम्हारी तबीयत खराब इस वजह से तो नहीं हुई है? हारिस, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम कहीं बाहर चले. अभी यार अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं है. वो फैजी और निम्रा घर पे आ रहे हैं दावत पर, लेकिन उनके आने में भी टाइम है. चलो चलते हैं. चलो मैं चेंज करके आऊँ. जल्दी आना फिर. ठीक है. तुम्हें पता है किन्जी के इन सब बातों के पीछे कौन है? प्लीज बेटा, तुम निम्रा की बात को दिल पे मत लो. तुम लोग नहीं आओगे तो फैजी क्या सोचेगा? मेरी बात तो समझो बेटा. किन्जी, किन्जी, हट. मुबारक हो. क्या हुआ मामा? तुम यही चाहती थी ना कि मजहर और किन्जी रात को डिनर पे ना आए, तो वो लोग नहीं आ रहे. तो सोच भी नहीं सकती थी कि निम्रा किन्जी की इंसल्ट करके उसे अपने घर से निकाल देगी.
और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों देती हैं? मुझे तो पता भी नहीं निम्रा और किन्जी के दरमियान बात क्या हुई है। जो भी बात हुई है तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। आप एक काम कीजिए, आप निम्रा को फोन करके पूछें कि क्या हुआ है, लेकिन प्लीज किन्जी और निम्रा के झगड़े से मुझे दूर रखें। मारी हारिस से कोई बात हुई? जी, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक तिमारदारी करने गए हुए आयला की। काश मेरे हुक्म को उसने पहले ही इतनी अहमियत दे दी होती तो कम से कम आज हम सब इतने अजाब में ना होते। मामा, अल्लाह को नाशुक्र लोग नहीं पसंद। ऐसा कौन सा अजाब नाजिल है आप पर? अच्छा, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे इरिटेट मत करो। अगर वाकई आपको मेरा वजूद कोई अजाब से कम नहीं लगता तो आप हारे से कह दीजिए मुझे कहीं और रख ले। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपकी गलत फहमियाँ दूर कर दूँ, आपके दिल में जो नफरत है उसे ख़त्म कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है ये नामुमकिन है। तुम पहले भी यही चाहती थी आयशा, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए क्यों हाँ की थी? इसलिए कि अगर मैं तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानती ना तो हारिस तुमसे निकाह कर तुम्हें कहीं और रख लेता। तुम तो हारिस को मुझसे दूर करना चाहती हो ना, ये नौबत मैं कभी आने नहीं दूंगी। ये हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी कि तुम हारिस को इस घर से कहीं दूर ले जाओ। आपकी सोच का कोई हल नहीं है मेरे पास। खुद को ऐसे खौफ में जकड़ रखा है आपने जिससे आपका खुद का सुकून तबाह हो रहा है। निम्रा की शादी की स्नैप्स दिखाई थी आंटी ने मुझे। She was looking very pretty. अब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम दुल्हन बनोगी, तुम भी बहुत प्यारी लगोगी। स्नैप्स भेजूंगी, देख के राय देना। देख के राय देना मतलब इनवाइट नहीं करोगी मुझे? जैसे मेरे इनवाइट करने पर तुम मेरी शादी पर आ जाओगे। Well, it depends. अच्छा चलो, अब लेट हो रहे हैं। निम्रा और फैजी पहली बार घर पे आ रहे हैं। ऐसा ना हो मुझे ना पाकर वो मूड खराब कर ले। फैजी चलते हैं। हारिस, तुम जब चले जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आयला, दैट्स नॉट फेयर। मैं कब से तुम्हारे साथ ही तो हूँ यार। ना जाने ये वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। वही वक्त जो मेरे घर में कछुए की चाल चलता है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो पल भर में घंटे गुजर जाते हैं। अच्छा चलो, अब तुम्हें वैसे भी रेस्ट करना चाहिए। मैं इतनी देर के लिए बाहर आ तो। हाँ बस निकल रहा हूँ मैं। किसकी कॉल थी? आयशा की। उसे कैसे खबर हो जाती है जब तुम मेरे साथ होते हो? क्योंकि मैं आयशा को बताकर आया था कि मैं वापसी में तुम्हारी तरफ जाऊंगा। गोया मुझसे मिलने के लिए तुम आयशा की इजाजत लेते हो। आई एम गेटिंग इट, कम ऑन गेट अप। हारिस, आयला प्लीज आ जाओ यार। चलो चलो चलो। Thank you.
पापा। बिल्कुल ठीक, ये फैजी लेकर आए। ओह थैंक यू सो मच बेटा। हारिस कहाँ है आयशा? बस बात हुई थी रास्ते में, आ जाऊँगी। आज है उसकी खूब खबर लूंगी। क्यों नहीं है, मैं घर पर आई हूँ तो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशा तुम जूस वगैरह लेकर आओ, हारिस के आने पे मैं खाना लगवाऊंगी। आ बेटा। आ बेटा। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। यहाँ बैठो, आ जाओ। आ बेटा। वैसे फैजी बेटा, तुम आज भी काम पर चले गए, अब ऐसे भी क्या मोहब्बत अपने काम से? जी वो एक बहुत जरूरी काम था, जल्दी भी आ गया था मैं, पूछ लें। अरे बेटा ये मजाक कर रही है, वरना हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते। किन्जी और मजर भाई नहीं आए? मजर को ना जरूरी काम था ऑफिस में, इसलिए। अच्छा मैं आयशा की हेल्प करवा कर आती हूँ किचन। और बेटा सब खैरियत है, अम्मी ठीक है? जी ठीक है, वो खुश है। भाई औलाद का फर्ज अदा हो जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं होती माँ बाप के लिए। अरे हारिस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? गुड। कहाँ रह गए थे भी? वो मैं अरे इससे कुछ मत पूछे, ये मुझे बता कर गया था, समी की तरफ गया था। अब फैजी के सामने इसको डांटिएगा नहीं। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। नो इट्स ओके, मैं हम भी बस अभी आए। ये लीजिए। निम्रा तुम छोड़ दो, जाओ जाके बाहर सबके साथ बैठो। कितनी शर्म आती है मुझे कि तुमसे कुछ सीख ही लेती, सारा काम आंटी करती है, बहुत बुरा लगता है मुझे। नाहिद आंटी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुमको सिखा देंगी, मुझे भी उन्होंने ही सिखाया था। हारिस को क्या बहुत अर्जेंट काम था? वो आयला की तरफ गए हुए हैं, तबीयत खराब थी उसकी। आयशा अब क्यों मिलता है वो आयला से? निम्रा निम्रा तुम यहाँ पर हो, फैजी अकेला वहां बैठा है, जाओ उसके पास। डर नहीं जाएंगे वो आप लोगों के साथ। तुम्हें अंदाजा है कि आज किन्जी और मजर क्यों नहीं आए? जी बिल्कुल अंदाजा है, बराए मेहरबानी उन्हें समझा दे कि मेरे घर पर नजर रखनी छोड़ दे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है जिस तरह किन्जी ने मेरे घर आकर फैजी को इंसल्ट किया है। हाँ अगर किन्जी ने ऐसा कुछ कर भी दिया था तो तुम तो समझदार हो ना, बात को संभाल लेती। बात संभाल कर फैजी के साथ अपना ताल्लुक नहीं बिगाड़ सकती थी मैं। जो शख्स मेरे ससुराल और मेरे शोहर की इज्जत नहीं करेगा वो मुझसे भी इज्जत की उम्मीद ना रखे। जाओ हारिस आ गया। आप हारिस को मना क्यों नहीं करती हैं? वो आयला से क्यों मिलता है अब भी? अगर इसने तुम्हें बता ही दिया था कि हारिस आयला की तरफ जा रहा है तो ये भी बता देती ना कि उसकी तबीयत खराब थी, सिर्फ पूछने गया था। किस नाते से? क्या लगती आयला उसकी? बस करो निम्रा, जाओ बाहर। तुम भी ना कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती, कम से कम निम्रा को तो आयला के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दो। मामा तुम डिनर को मिस तो कर रही होगी। अगर डिनर मुझे मिस करना होता तो मैं ना जाने का फैसला ही क्यों करती? वैसे तुम्हें ये फैसला नहीं करना चाहिए था। क्यों? तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ और चाल चलने वाले अपनी चाल चल गए। फैजी ने जो जाल बनाया था तुम उसमें फंस गईं। वो यही चाहता था कि उस महफिल में कोई भी गैर जरूरी इंसान मौजूद ना हो। हम गैर जरूरी नहीं है मजहर। हम गैर जरूरी हैं, हम ही नहीं अंकल आंटी हत्ता के हारिस भी गैर जरूरी है। और निम्रा का क्या है, वो तो बेवकूफ है, उसकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके सामने जो तमाशा हो रहा है उसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा।
तुम्हारी इन बातों से ना मेरा सर फटता है। क्यों करते हो तुम ऐसी बातें? अभी तो मैं कर रहा हूं, जब सब करेंगे तब क्या होगा? अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाल चलने वाले बहुत होशियारी से अपनी चाल चल गए और तुम्हारे घर वालों को कानो कान खबर तक ना। किसने चली चाल? आखिर तुम मुझे समझाते नहीं हो कि बात क्या है। बैठो। तुम और तुम्हारे घर वाले दिमाग पर जरा सा भी जोर डालें तो चाल भी समझ आ जाएगी और चाल चलने वालों के चेहरे से नकाब भी उतर जाएगा। अगर हम लोग नहीं जानते तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम सच बता? मैंने तो सच बताने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें निमरा के पास भेजा था कि तुम उसे जाके समझाओ। लेकिन निमरा तो बहुत खुश है मजर। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो यही खुशी उसके लिए बहुत बड़ा पछतावा बन जाएगी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि फैजी किसी और में इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड? फैजी सर से पांव तक इश्क में डूबा हुआ है और चाहते हुए भी वो इस इश्क से रिहा नहीं हो सकता। तो फिर उसने निमरा से शादी के लिए हाँ क्यों की? मजबूरियां, इश्क की मजबूरियां। तुम हर बात का टेढ़ा जवाब देते हो। अगर तुम्हें सीधी तरह बात नहीं करनी तो दिमाग मत उलझाओ मेरा। मुझे ये बताओ कि फैजी को निमरा से शादी करने के लिए राजी किसने किया? आयशा ने, क्योंकि निमरा बजिद थी। निमरा को लगता था कि फैजी मानेगा नहीं। आयशा ने कहा और फैजी मान गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि फैजी और उसकी अम्मी ने आयशा की फैमिली का नमक खाया सारी जिंदगी, उससे तो मानना ही था। ये असर नमक का नहीं है किंजी, ये इश्क का असर है जो अब सर चढ़कर बोलने लगा है। कैसा इश्क मजहर? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, लेकिन तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। जिसे तुम लोग हया की देवी समझते हो वो तुम्हारे घर में बेहयाई का ऐसा खेल खेल रही है कि सुनते हुए भी रूह कांप उठे। अब यहां फैजी और आयशा का क्या ताल्लुक है? वही जो जिस्म का रूह से है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने फैजी को आयशा की शादी में बिलखते हुए देखा था। उसकी वजह यह थी कि फैजी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आयशा किसी और की होने जा रही है। और जाहिर सी बात है, आयशा के घर वाले इस बात के हक में ही नहीं थे कि फैजी उनका दामाद बने। इसीलिए आयशा के वालिदैन ने आयशा की शादी में जल्दी की और शादी हो जाने के बाद फैजी और आयशा को एक दूसरे से रابطے में रहने का मौका मिल गया। बस कर दो मजर, मेरा सर फट रहा है तुम्हारी इन बातों से। समझ सकता हूं मैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बता रहा था, क्योंकि इस बात को कोई भी गैरतमंद इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आयशा और फैजी तो अपनी चाल चल गए और अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे घर का क्या हशर होने वाला है। ये लो बेटा। थैंक यू मामा। आप लोगों ने यूं ही इतना तकल्लुफ कर लिया? इन्हें गलत फहमी थी ना कि इनका दामाद खुश खुराक है। तुम भी बैठ जाओ आयशा। बैठ जाओ, इस तकल्लुफ की अब जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है। बैठो बेटा। वैसे मुझे तुम्हारी ना पसंद का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने सारी डिशेस जो हैं वो आयशा से पूछकर बनाई हैं। जी जी, अब तो दामाद की मर्जी का ही ख्याल रखा जाएगा, मेरी कहाँ अहमियत रही यहाँ।
बेटियों की अहमियत कभी खत्म नहीं होती, और अगर दामाद से मोहब्बत दिखाई जा रही है तो वो भी बेटी से मोहब्बत करने का इजहार होता है। वाह, जीते रहो बेटा, माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात की तुमने। वाह फैजी, इसकी आदत है, इसके सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दी जाए ना तो ये जेलिस हो जाती है। बिल्कुल भी जेलिस नहीं हो रही मैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लड़कियां अपने भाई से जेलिस हो सकती है लेकिन अपने शौहर से नहीं। फैजी क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे? जी खा रहा हूं। ये लीजिए कबाब। थैंक यू। ये बिरयानी लो। ठंडी हो गई है, मैं बस गर्म करवा के लाती हूँ। कैसी बनी है बिरयानी आज? अच्छी, कबाब तो बहुत ही, कबाब बहुत अच्छे, जबरदस्त। फैजी और निम्रा चले गए? हाँ चले गए। तुम क्यों चली आई थी? नमाज पढ़नी थी ना, तो इसलिए। ऐसा एक बात कहूँ तुमसे, मैंने नोटिस किया है तुम उन दोनों को अवॉइड क्यों कर रही थी? नहीं तो? हाँ मम्मा भी यही कह रही थी, तुम खाना खाते खाते उठ के चली आई, क्या हुआ? हाँ उस वक्त मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी मौजूदगी से फैजी अनईजी हो रहा है। व्हाट, ये क्या बात हुई? हाँ फैजी ने हमेशा मुझसे सर झुकाकर बात की है, मेरी एहतराम की इंतहा तो इतनी थी कि जब मैं घर में होती थी फैजी घर में नहीं आता था। वो तो आज मामा के इंसिस्ट करने पे मैं खाना खाने के लिए बैठ गई, लेकिन मुझे पता है कि फैजी के लिए सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसे अब अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, उसका और तुम्हारा रिश्ता मालिक और मुलाजिम वाला थोड़ी है। अब मेरा और फैजी का रिश्ता अभी भी वही है जो शादी से पहले था। वो पहले भी मेरे लिए नामहरम था और अभी भी नामहरम है। वो तो मैं मामा की खुशी के लिए खाना खाने बैठ गई थी, लेकिन फैजी को एहसास हो रहा था कि मेरा इस तरह उसके सामने बैठना आसान नहीं है। तो अगर ऐसी बातें तुम मम्मा से कह देती वो इनकार कर देती? ताकि एक नया जोन मेरी जुराइम की फहरिस्त में शामिल हो जाता। अच्छा मम्मा के बारे में ऐसी बातें मत सोचा करो। आप टेंशन मत लें, नमाज का टाइम निकला जा रहा है, आप जाके नमाज पढ़ लें। कैसा लगा आपको सबके साथ टाइम स्पेंड करके? बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मुझे तो मामा से डांट पड़ गई, मैं आपको अकेला छोड़ के आयशा के पास जो चली गई थी। पढ़नी भी चाहिए थी। आयशा ने मुझे बहुत अजीब सी बात बताई, उसने मुझे बताया कि उसे सारी कुकिंग आंटी से सीखी, अब तो मैं भी आंटी की स्टूडेंट बन जाऊंगी। तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा मुझसे? भाई देखो, आयशा को बचपन से शौक रहा, घर में अम्मी के साथ सारे काम करवाती थी। अम्मी रोकती भी थी लेकिन उज़त आंटी कहती थी कि करने दो, काम सीखने दो। आयशा और आपका बचपन साथ ही गुजरा है ना, काफी गाइड करती होगी वो आपको। हाँ लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही? वैसे आयशा बहुत अच्छी, वो हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करने की सोचती, हर किसी की जिंदगी के दुख दर्द बांटती, इसीलिए मैं उससे बहुत इंस्पायर होने लगी। वो हमेशा से ही ऐसे सबकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने वाली। आपको पता है मुझे हारिस और आयशा को यूं खुश देख के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि खुदा ने हारिस को एक तोहफे से नवाजा है, आयशा को उसकी लाइफ पार्टनर बना दिया। तुमसे एक बात पूछूं? मुझसे आपको कुछ पूछने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं मैंने सोचा तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे आपकी कभी कोई बात बुरी नहीं लगती। आज जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे तो मैंने हारिस को एक लड़की के साथ देखा, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी कोई कजन हो सकती थी या हारिस की कोई कुलीग, लेकिन जब हम तुम्हारे घर पहुंचे
तो आंटी ने बताया कि हारिस तो समी के साथ था। हारिस ने घर पर झूठ बोला उस लड़की के लिए। फैजी वो लड़की आयला थी, शायद आपको याद नहीं, वो हमारी मेहंदी पर भी आई थी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हारिस ने घर पर झूठ क्यों बोला? मुझे नहीं पता उसने मामा से झूठ क्यों कहा, लेकिन वो आयशा से कभी झूठ नहीं बोलता। आपको पता है मुझे आयशा ने ही बताया कि हारिस आयला की तरफ गया है। कोई फिकर की बात तो नहीं है ना? फैजी आयला हमेशा हारिस के अटेंशन लेने की कोशिश करती रहती है। हारिस की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। यकीनन कोई मजबूरी हुई होगी तो हारिस को वहां जाना पड़ गया, वरना हारिस उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। I'm really sorry, मैंने ऐसा फील किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी फैमिली की फिक्र की, कोई बात बुरी लगी तो शेयर कर ली, बिल्कुल माइंड नहीं किया मैंने। थैंक यू। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं बना लूंगी। आंटी आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, आज से आपके साथ सारे किचन के काम में मैं हेल्प करवाऊंगी। इतनी जल्दी भी क्या है, सारी उम्र पड़ी है काम करने को। फैजी बता रहे थे कि आयशा बहुत छोटी सी थी तो हर काम में आपने उसे अपने साथ लगा लिया था, तभी तो आयशा हर काम इतने अच्छे तरीके से करती। वो बस बेटा काम सीखने की लगन होनी चाहिए तो खुद बहुत काम आ जाते हैं। तो फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया है? तुम तो मेरी बेटी हो, जो कहोगी सिखा दूंगी। आप बस मुझे आयशा जैसा बना दें। फैजी कहते हैं कि आयशा हर काम में माहिर है। वो फैजी उठ गया? जी। अच्छा बेटे तुम चाय देखो, मैं आती हूँ। आपकी बहू की ख्वाहिश है कि नाश्ता वो बनाया करेगी। फैजी मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। अब क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी निमरा के सामने आयशा का जिक्र करने की? मैंने तो कुछ नहीं कहा। शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी जबान पर कब आयशा का नाम आ जाए। मैं डरती हूँ इस बात से कि तुम्हारे छुपे जज्बों की जरा से भी भिनक निमरा पे पड़ गई तो बहुत से सर शर्म से झुक जाएंगे। अम्मी इन फजूल के वहमों में खुद को मत उलझाया करें। आपका बेटा अब अपने दिल में छुपे जज्बों को छुपाने का माहिर हो चुका है, कभी झुकने नहीं देगा आपका सर। फैजी जिस तपते रेजगार का तुमने इंतखाब किया ना, वहां तुम्हें कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। जरा से भी हिमाकत से निमरा और आशा की खुशियां छीन सकती हैं, और अगर ऐसा कभी हुआ ना तो तुम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगे। आज ऐसा करेंगे, ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर सब फरहान की तरफ चलेंगे। क्यों, क्या है वहाँ? भाई वो निमरा की शादी पे नुसरत और फरहान बहुत गिला कर रहे थे कि हम उनकी तरफ चक्कर ही नहीं लगाते। वाह,
हर एरे गैरे की फिक्र है आपको, लेकिन इसकी फिक्र नहीं है कि रात को किन्जी डिनर पर क्यों नहीं आई थी। अम्मा फरहान अंकल और नुसरत आंटी हमारे लिए अरे गहरे नहीं है, आप प्लीज देखभाल के बोला करें। जानती हूँ अच्छी तरह से कि वो क्या लगते हैं हमारे, लेकिन शायद यहाँ सब लोग भूल गए हैं या फिर भुला दिया गया है कि बेटियों को अपने माँ बाप के घर पे बहुत मान होता है। देखो अगर किन्जा निम्रा की नाराजगी की वजह से यहाँ नहीं आई तो इसमें किसी और का क्या कसूर है? और अगर निम्रा के साथ कोई नाराजगी थी भी तब भी कंजी और मजर को आना चाहिए था मामा। ये तो तुम कह रहे हो ना, ये तो खुश है कि वो लोग नहीं आए। मामा मैंने उन्हें मना तो नहीं किया था। आप हर बात का ब्लेम आयशा पे डाल दिया करें, ठीक है? बैठ जाओ बेटा, आराम से नाश्ता करो। पापा ये जानती हैं कि मजर और कंजी की किस तरह की नेचर है, फिर भी हर बात का ब्लेम आयशा को दे देती हैं, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। हारिस की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उन्हें ऐसे नाश्ता छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। मुझे हारिस का यूं जाना बुरा नहीं लगा। हारिस जब जब माँ के सामने इसकी हिमायत करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? देखो आयशा की हिमायत करना हारिस की जिम्मेदारी है क्योंकि ये उसकी बीवी है। तो मैंने ऐसे कौन से जुल्म तोड़ दिए इस पर? बाबा प्लीज इस बात को छोड़ दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो वो खुद माफी मांग लेंगे। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना तो पहले वो तुम्हें इस घर से निकालेगा, बाद में माफी मांगेगा। तो जरा बैठ जाओ, नाश्ता करो। कर लिया नाश्ता मैंने। सॉरी बेटा, खुदा जाने इसके अंदर जो तुम्हारे लिए जहर भरा है वो कब खत्म होगा। बाबा वो माँ है, बेटी दावत पे नहीं आई तो दुख तो होगा ना, और बेटा इस तरह से रिएक्ट करेगा तो अफसोस भी होगा। और तुम कुछ नहीं लगती किसी की बेटा। मैं इनके इस रवैये पे तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बाबा आप शर्मिंदा मत हो, मुझे मामा की डांट से ज्यादा दुख आपके झुके हुए सर का हो रहा है। मामा ने जो कहा मैंने एक बेटी की तरह सुनकर बर्दाश्त कर लिया, अगर आप परेशान मत हो। बाबा अगर आप अपनी बहू की वकालत करने आए हैं ना तो प्लीज चुप रहिएगा। मैं बहू की वकालत करने नहीं आया, बेटी की वकालत करने आया, क्योंकि आयशा को मैं किन्जी और निम्रा की तरह अपनी बेटी समझता हूं। इसी बात का तो दुख है कि आपको आयशा की बिला वजह की तकलीफ महसूस होती है लेकिन मेरी तकलीफ का आपको कोई एहसास नहीं है। क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम आयशा से नफरत करते हो और तुम्हारा बस नहीं चलता कि तुम उसे घर से बाहर निकाल दो। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए जहीर, हारिस का तो रवैया आपने देख ही लिया है। किन्जी और मजर इस घर में आना नहीं चाहते और मुझे पूरा यकीन है कि निम्रा भी यहाँ नहीं आएगी। क्यों भाई, तुम्हें उम्मीद क्यों नहीं? कल रात को आपने फैजी का रवैया नहीं देखा था? वो आयशा के सामने सर तक नहीं उठा पा रहा था, ठीक से उसने खाना तक नहीं खाया।
वो आयशा की मौजूदगी में यहाँ नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ आपको। क्यों भाई, उसे आयशा से क्या प्रॉब्लम है? आयशा के घर में एक मुलाजमा के बेटे की हैसियत से उसने अपनी जिंदगी का तवील अरसा गुजारा है। आयशा की मौजूदगी से उसका इरिटेट होना एक फितरी अमल है। ऐसी बात होती तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों करता? आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझिएगा। भाई जब तुम आयशा के बारे में ऐसी बात करोगी तो गलत ही समझूंगा ना। किंजी का प्रॉब्लम निम्रा के साथ है, वो उससे नाराज है। अब अगर वो नहीं आ रही तो इसका इल्जाम तुम आयशा को दे रही हो। आयशा किंजी से और मजहर से शदीद नफरत करती है, और मजहर के बारे में वो जितना जहर उगल चुकी है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, आयशा ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत समझदार लड़की है, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकती। आपकी नजर में तो मैं ही ना समझूं, आप बाप बेटा मिलकर आयशा के सामने मुझे इतना डिग्रेड करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो आयशा क्यों इज्जत देगी मुझे? इसके बावजूद वो तुम्हें बहुत इज्जत करती है, तुम्हारी हर ज्यादती हर जुल्म खामोशी से सह जाती है। दिस इज टू मच ज़हीर, मैंने उस पे कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया है? जो तुम उसके खिलाफ सोचती हो यही बहुत बड़ा जुल्म है। आयशा जैसी लड़की के साथ जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती, तुम्हारे लहजे में जो नफरत होती है वो खुद आयशा के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, एक ऐसी बच्ची के साथ जो दिल की बहुत साफ है। बस कर दे, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तो ये भी ज़हन में रखो कि वो तुम्हारे दिल के हाल से भी बाखबर है।